तो मुंबई सिटी एफसी एएफसी चैंपियंस लीग के फर्स्ट मैच डे में 2-0 से हारने के बाद सेकेंड मैच डे में थोड़ा सा प्रेशर में तो रहेगा। एंड सेकेंड मैच डे में मुंबई सिटी एफसी फेस करने जा रहा है उज्बेकिस्तान के टीम नब बहुर को। एंड इस मैच का ही छोटा सा प्रीव्यू करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट अंकन, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो छोटे से इंट्रो के बाद। तो 3 अक्टूबर के दिन मुंबई के लिए इस सीजन एएफसी चैंपियंस लीग में अपना फर्स्ट अवे मैच होने जा रहा है। तो फिलहाल हम जान लेते हैं दोनों टीमों का करंट कंडीशन कैसा है। तो मुंबई ने अपने फर्स्ट मैच एएफसी चैंपियंस लीग में ईरान के टीम नसाजी से 2-0 से हारा है। एंड आईएसएल ने मुंबई सिटी एफसी अपने फर्स्ट मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ 2-1 एंड सेकेंड मैच ओडिशा एफसी के साथ 2-2 से ड्रॉ किया है। ऑपोजिट साइड नबहोर इस एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप में सबसे टफेस्ट टीम अल हिलाल के साथ ड्रॉ किया है, अल हिलाल के होम में जाके। इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान लीग में अंदिजान से 2-1 से हारा है। एंड उज्बेकिस्तान लीग के लीग टेबल के एकदम बॉटम के टीम तुरहान से 5-0 से मैच जीत के आ रहा है। एंड ऑब्वियसली नबहोर मुंबई के लिए कोई इजी ओपोनेंट नहीं होने जा रहा है। अगर हम मुंबई सिटी एफसी के लास्ट मैच मुंबई वर्सेस नसाजी के मैच को थोड़ा सा एनालाइज करें तो उस मैच में मुंबई का गेम प्ले ज्यादा अच्छा था, मुंबई का ही डोमिनेंस था मैच पे, बट अपने डिफेंस की गलती की वजह से मुंबई ने दोनों गोल कॉन्सीड किया था एंड मैच में कमबैक नहीं कर पाए थे। एंड ऑपोजिट साइड नबहोर अल हिलाल के होम में जाके रूबेन नेविस, नेइमार जैसे प्लेयर के अगेंस्ट ड्रॉ करके आया मैच को अपने डिफेंस के दम पे। एंड उस मैच में नबहोर ने एकदम अल्ट्रा डिफेंसिव मूड में खेला था, काउंटर से एक गोल स्कोर किया था एंड अल हिलाल के प्लेयर्स को डी बॉक्स के अंदर से शॉट लेने नहीं दिया। जितना भी शॉट अल हिलाल ने लिया सभी मैक्सिमम डी बॉक्स के बाहर से ही है। और अगर आप उस मैच को देखोगे तो अल हिलाल ने ही ज्यादा डोमिनेट किया था नबहोर से। एंड अगर हम आए नबहोर के प्लेयर टू वॉच में तो उसमें के फॉरेन सेंटर बैक मिलोस मिलोविक, जिन्होंने अल हिलाल वाले मैच में 9 क्लियरेंस किया था एंड 4 ड्यूएल ओन किया था। के साथ साथ उनके और एक फॉरेन सेंटर बैक फिलिप, जिन्होंने 7 क्लियरेंस एंड 8 ड्यूएल ओन किया था एंड लास्ट मैच में उज्बेकिस्तान लीग में वो गोल भी स्कोर किया है। एंड इसके साथ साथ उनके कैप्टन गोलकीपर जो एकदम बैकलाइन से इस टीम की लीडरशिप देते थे उक्तिर, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का। देन आते हैं इनके फॉरेन सेंटर फॉरवर्ड तोमा, जो अल हिलाल के मैच में गोल भी स्कोर किया था काउंटर अटैक से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि नबहोर की टीम मुंबई से कई ज्यादा बेहतर है, कई ज्यादा स्ट्रांग भी है। एंड आप ये मत सोच लेना अल हिलाल के खिलाफ ये टीम अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में गया था बट मुंबई के खिलाफ भी वो सेम अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में जाएगा, ऐसा मत सोच लेना। हालांकि ये टीम 4-4-2 फॉर्मेशन से खेलता है, इनका मेन प्रायोरिटी होता है कि डिफेंस पार्ट, मतलब कि पहले डिफेंस को फोकस करो देन अटैक में जाओ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अटैक में नहीं जाएंगे, काउंटर पे ही फोकस करेंगे। ऐसा गेम प्ले नबहोर के तरफ से मुंबई वाले मैच में एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मुंबई के खिलाफ नबहोर अटैक में भी आएगा। बट इस टीम की एक कमजोरी है इनके लेफ्ट साइड, अगर हम इस टीम के लेफ्ट साइड को यूटिलाइज कर सकते हैं तो हम गोल स्कोर कर पाएंगे इस टीम के अगेंस्ट, बट इसके लिए बिपिन सिंह एंड आकाश मिश्रा को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड बिपिन सिंह लास्ट के कुछ मैचों में हम देख रहे हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, तो उनको अपने फॉर्म में जल्दी से कमबैक करना पड़ेगा इस मैच के लिए। इसके साथ साथ मुंबई के प्रॉब्लम्स की बात करें तो राहुल वेके की गलती की वजह से इस सीजन मुंबई ने कई सारे गोल कॉन्सीड किया है एंड स्पेशली वो इस टीम के कैप्टन है, सो एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना चाहिए। साथ साथ गोल कीपिंग पोजिशन पे पूर्वा को लाना चाहिए। आईएसएल के लास्ट के 2 मैचों में पूर्वा नहीं थे, नवाज को ही मौका मिल रहा था, बट नवाज का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास अच्छा नहीं रहा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस मैच में पूर्वा को ही गोलकीपर में रखा जाए। एंड इसके साथ साथ मुंबई के मिडफील्ड में अहमद जाहू की कमी नजर आ रहा है। अहमद जाहू एक लीडरशिप देते थे मुंबई के मिडफील्ड से, वो मिसिंग है इस सीजन। हालांकि जो न्यू प्लेयर वैन निप को लिया गया है वो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर पाए है एंड उनसे बेटर परफॉर्मेंस आपुया एंड विनीत राय दे रहे हैं। सो मुंबई को अपने मिडफील्ड में भी फोकस करना चाहिए। अगर मुंबई इस मैच में अपने मिडफील्ड को कंट्रोल कर लेता है
तो मुंबई के लिए इजी होगा इस मैच में कंट्रोल करने के लिए। एंड पॉजिटिव साइन में मुंबई के तरफ से पेरेरा डियाज अपने फॉर्म में बैक कर चुके हैं, वो लगातार गोल स्कोर कर रहे हैं, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा गोल स्कोर करने के लिए। एंड स्पेशली इसके साथ ग्रेग स्टुअर्ट, आकाश मिश्रा, बिपिन छांगते, बट छांगते भी उतना ज्यादा कुछ खास फॉर्म में भी नहीं है, तो छांगते को भी अपने फॉर्म में बैक करना पड़ेगा, तो अटैकिंग में ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। और लास्ट मैच में मुंबई ने जो किया था कि अपने फिनिशिंग में गलती, एंड अगर ये मैच में भी फिनिशिंग में गलती होता है ना तो मुंबई फिर से पॉइंट लूज करेगा। तो एकदम से ये तो इजी मैच नहीं होने जा रहा है मुंबई के लिए, ऑफकोर्स क्योंकि नब्बे और हमसे कई बेटर टीम है, तो हम उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट ड्रॉ कर ले क्योंकि उनके होम ग्राउंड में मैच होगा एंड उनके टीम हमसे कई ज्यादा बेटर है। सो विन की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखूंगा, एटलीस्ट ड्रॉ करके आए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं एंड हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए, नीचे आपको लिंक्स मिल जाएगा। और इसके साथ साथ नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा होगा, उन वीडियोस को भी देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।